vitals are normal. You're ready to serve, soldier. ट्यूर ऑफ ड्यूटी का काफ़ी बातचीत चल रही है, काफ़ी चर्चाएं चल रही है, काफ़ी यूट्यूब आ रही है, काफ़ी मेरे जो बंदे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, और तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ट्यूर ऑफ ड्यूटी लगभग लागू हो चुकी है। पहले ऐसी कुछ संभावना जताई जा रही थी कि ट्यूर ऑफ ड्यूटी लागू नहीं होगी, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही और जल्दी ही इसका अभी घोषणा होने वाली है और आपकी भर्ती आने वाली है, तो ट्यूर ऑफ ड्यूटी में क्या क्या होने वाला, खासकर आज मैं 3 पॉइंट कवर करूंगा। तो सबसे पहला मैं पॉइंट कवर करना चाहूंगा कि ट्यूर ऑफ ड्यूटी कौन सी फोर्स में लागू होगी, सबसे पहले किस में लागू होगी, उसके बाद में इसमें कौन कौन से ट्रेड पर इसका असर होगा, और नंबर 3 हम बात करेंगे कि कितना परसेंटेज ट्यूर ऑफ ड्यूटी लागू होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी फौजी, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये कौन कौन सी सेना में लागू होगी। तो जो अभी, क्यों आपको पता है कि जो अभी ये ट्यूर ऑफ ड्यूटी लागू कर रहे हैं, इतिहास में पहली बार लागू हो रही है। जो हमारा आज तक का इंडियन आर्मी चल रही है उसमें कुछ जो पहले वाले रूल थे वही सेम चल रहे हैं, लेकिन अभी जो जो सरकार है तो वो उसने बोला कि भाई चलो हमारा कुछ पैसा बच जाए, इनको पेंशन नहीं देनी पड़े, तो इस हिसाब से इन्होंने एक ट्रायल बेस अभी शुरू किया। तो अभी कितना लागू होगा, कितना इसका बेनिफिट होगा, क्या क्या होने वाला, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन अभी क्या करने वाले। सबसे पहले आपको पता है कि ये थल सेना के ऊपर लागू होगा, उसके बाद में एयरफोर्स, उसके बाद में नंबर 3 पर होगा नेवी के ऊपर लागू करेंगे। तो अभी जो ट्यूर ऑफ ड्यूटी लागू हो रही है ओनली थल सेना के ऊपर होगी, उसके बाद में एयरफोर्स, नेवी के बाद में नंबर 2 और नंबर 3 इसकी पोजीशन आएगी। एक ही आपका डाउट क्लियर हो गया। नंबर 2 हम बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड्स में, कौन कौन से ट्रेड्स में ये लागू होगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अपना नॉलेज दे रहा हूँ आर्मी का, जो मैंने देखा है या मैंने 18 साल जो मैंने सर्विस की है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि भर्ती बंदे जीडी में होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे आपने कलर का सुना हुआ भाई, कलर में भर्ती होना है, नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होना है, टेक्निकल से भर्ती होना है, और जीडी में भर्ती होना है, ट्रेड्स में, ये 5 चीज़ें आपने, या एजुकेशन हवलदार का भी सुना होगा या धर्मगुरु का भी सुना होगा। तो जैसे एजुकेशन हवलदार की तो वैकेंसियाँ बहुत कम कर दी है, लेकिन ज़्यादातर अभी जीडी की, ट्रेड्स मैन की, टेक्निकल की, कलर की और एन ए की इनकी वैकेंसी आती है। तो जीडी में भी कुछ, जैसे आर्टिलरी है, आर्मर्ड, इसमें अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ गनर्स हैं, ऑपरेटर हैं, टीए हैं, अपना सर्वेयर होते हैं, काफ़ी इसमें भी जीडी में भी काफ़ी कुछ ट्रेड्स दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे टेक्निकल से बंदा भर्ती हो रहा है, क्लर्क से हो रहा है या नर्सिंग असिस्टेंट से हो रहा है, तो उन पर शायद तक अभी ये ट्यूर ऑफ ड्यूटी लागू नहीं होगी। ये एक नंबर पॉइंट शायद बोला है मैंने कि शायद ये उन पर लागू नहीं होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं मैं जीडी और ट्रेड्समैन पे। तो ये जीडी और ट्रेड्समैन पे, खासकर जो इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री के अंदर सभी राइफल मैन होते हैं और कुछ ट्रेड्समैन होते हैं। ट्रेड्समैन आपको मैंने एक वीडियो बना रखा है कौन कौन से ट्रेड्समैन होते हैं, वो सब पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो ट्रेड्समैन पे और खासकर जीडी पे इसकी ज़्यादा मार पड़ने वाली है, खासकर ट्यूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर। तो उनको फिर 4 साल के लिए आर्मी में रखा जाएगा, उसके बाद में उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। इसमें आपका 6 महीना आपकी टर्निंग होगा और 3.5 साल आप रेजिमेंट में, या आप रेजिमेंट में आप अपना सेवा का मौका दे सकते हो। इसमें रिटायरमेंट में आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो आपका कटिंग किया हुआ, जो पैसा आपका इकट्ठा किया, जैसे फंड वगैरह कुछ कटते हैं, वो आपको लास्ट में 10 लाख से 15 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा और आपको सैलरी मिलती जाएगी। अभी तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम तीसरा पॉइंट मैं जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सैलरी के ऊपर बनाऊंगा, कि इनकी सैलरी कितनी होगी और इनको क्या क्या बेनिफिट होगा। और नंबर 2 है कि जिनका अभी रिटर्न एग्जाम बाकी है उन पे इसका असर होगा ट्यूर ऑफ ड्यूटी का या नहीं होगा, नेक्स्ट मेरा वीडियो वो रहेगा जो आपके 2 या 3 दिन के अंदर आपका आ जाएगा। लेकिन आज का अभी नंबर 3 पॉइंट्स है मेरा कि कितने परसेंट लागू होगी। तो परसेंट का मैं बता देता हूँ कि अभी तक जो न्यूज़ आ रही है 100% ट्यूर ऑफ ड्यूटी लागू कर दी गई है। इसमें आपको 75% बंदे हैं जिनको 4 साल के बाद में रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, और 25% बंदे, यानी 25% बंदे हैं उन बंदों को रखा जाएगा। अब 25% कौन कौन बंदे रहेंगे इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा, तो उसका इंतजार किए। लेकिन अभी आज के 3 पॉइंट आप समझ लीजिए कि ट्यूर ऑफ ड्यूटी कौन कौन से, कि कहाँ कब लागू होगी, कितने परसेंट लागू होगी और कौन कौन से ट्रेड्स में। ये 3 बंदे मेरे पॉइंट्स थे जो बंदों के काफ़ी डाउट्स थे, कौन कौन से ट्रेड में होगी, कि किस किस में होगा, तो ये सब मैंने आज क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं 2 से 3 दिन के अंदर बढ़ा दूंगा आपका सैलरी के ऊपर, आपका जो जिनका एग्जाम बाकी है, रिटर्न एग्जाम बाकी है, उनके ऊपर लागू होगी या नहीं होगी। नंबर 3 पॉइंट है कि इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो आज का वीडियो शायद काफ़ी बंदों के लिए हेल्पफुल लगा, वीडियो मेरे भाई अच्छा लगे, तो मैं फौजी होने के
जाते एक लाइक तो आपका बनता, तो लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना भी ना भूले। आपका दोस्त लकी फौजी, आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। जय हिंद, जय भारत। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। आपका दोस्त लकी फौजी, जय हिंद, जय भारत।